नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB टेक में, और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 69,000 कट ऑफ मामले की आज लखनऊ डबल बेंच में कोर्ट नंबर एक पर सुनवाई होनी थी। तो दोस्तों, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और एक नई डेट फिर से मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज बताएंगे आपको क्या क्या पूरा कोर्ट में हुआ, कितने वकीलों ने आज बहस की और कितने अभी बाकी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, आज की जो प्रमुख बात रही वो रखी शिक्षा मित्रों की तरफ से, जो एलपी मिश्रा जी हैं। एलपी मिश्रा जी शिक्षा मित्रों के वकील हैं। उन्होंने आज पूरे दिन बहस करी, ठीक है। 2:15 से सुनवाई हुई, उसके बाद उन्होंने पूरी बहस करी। शुरुआत में उन्होंने एकेडमिक अंकों को लेकर के, 69,000 जो लिखित परीक्षा हुई उसके अंकों को लेकर के, जिस प्रकार मेरिट बनेगी उस पर बात करी, उस पर बहस करी, सिलेक्शन प्रोसेस समझाया जज साहब को। हालांकि ये बातें तो पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद वेटेज को आधार बना करके उस पर बहस अपनी करी, और शिक्षा मित्रों के पक्ष में ये भी बोला कि ये 10th, 12th, BA, TET सारी परीक्षाएं पास है, 69,000 में अब इनको जानबूझकर 60-65 लगा करके बाहर किया जा रहा है। ये शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, और ये नॉन शिक्षा मित्र का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए इतना कट ऑफ लगाना उचित नहीं है। और ये भी कहा कि यूपी की जितने भी परीक्षाएं होती हैं सब में 33% पास मार्किंग है, फिर 69,000 में 60-65 लगाने का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए ये लगाया जा रहा है। उन्होंने ये बात भी कही कि पिछली 68,500 जो भर्ती थी उसमें 40-45 की कट ऑफ थी, और 69,000 शिक्षक भर्ती का जब मूल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कट ऑफ का कोई भी जिक्र नहीं था। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ही पिछली भर्ती की ही कट ऑफ लगनी चाहिए, ना कि नई कट ऑफ 60-65। और ये भी कहा उन्होंने कि जो नई कट ऑफ 60-65 लगाई भी गई है 7 जनवरी को, जो लगाई गई कट ऑफ वो पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि ये प्रॉपर चैनल से जारी नहीं किया गया है। इसलिए 7 जनवरी को जो GU है इसमें कट ऑफ 60-65 लगाई गई पूरी तरीके से अवैध है, बेकार है। इसलिए ये जो भर्ती है 40-45 पर ही होनी चाहिए और शिक्षा मित्रों के लिए अनुकूल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको 2 चांस मिले हैं। और 60-65 कट ऑफ लगा करके शिक्षा मित्रों को सिर्फ बाहर करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। और भी कई प्रमुख मुद्दों पर बात करी, और सबसे बड़ा दोस्तों जो आज इनका पॉइंट रहा है एलपी मिश्रा जी का, वो ये रहा, उन्होंने ये कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहला हक है, ठीक है, प्रथम वरीयता है, वो BTC और शिक्षा मित्रों की ही है। सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, क्योंकि प्रथम वरीयता वही है, दोनों ये ट्रेंड हैं, BTC भी ट्रेंड है और शिक्षा मित्र भी ट्रेंड है। BEd को जबरदस्ती अंदर किया गया है, शामिल किया गया है, और ये अनट्रेंड है, इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बाद में। ये ट्रेनी टीचर हैं, इसलिए इनको पूरी मतलब ये बाहर तो वैसे भी है, लेकिन मर्सी के आधार पर, दया के आधार पर इनको सेकंड वरीयता दी जाए। ये प्रमुख बात आज एलपी मिश्रा जी ने कही शिक्षा मित्रों की तरफ से, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज इनकी पूरी बहस नहीं हो पाई है, ठीक है। इन्होंने 3-4 कोर्ट आर्डर भी दिए, जो कि 1965 का एक कोर्ट आर्डर है, एक 2007 का है, एक 2014 का कोर्ट आर्डर है। इस पर बहस चल रही है, इसी के बीच में कोर्ट का समय हो गया, कोर्ट उठ गई और आज इनकी पूरी बहस नहीं हो पाई है। लिखित सबमिशन भी इन्होंने नहीं दिया है अब तक। तो अब कल की डेट लगी है, कल 28 फरवरी को पुनः इस केस की सुनवाई होगी। 28 फरवरी को 2:15 से ये केस फिर से सुना जाएगा। जैसा कुछ होगा अपडेट दोस्तों कल के वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल आज की प्रमुख अपडेट यही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।